सरकार पूर्व सरकार में जो कर्मचारी नेताओं का उत्पीड़न हुआ उसको समाप्त कराने में खामोश क्यों है? मुख्यमंत्री महोदय, आपने जब सरकार बनी थी तो आपने कहा था कि शीघ्र ही उन कर्मचारी नेताओं को नौकरी पर रखा जाएगा जिनको पूर्व कांग्रेस सरकार ने नौकरी से बर्खास्त किया था। नौकरी से बर्खास्त करने वाले नेताओं के ऊपर कोई बड़े चार्जेस नहीं थे, बहुत बड़ा कोई घपला नहीं था, जिसमें तो एक तो मैं ही था, गोपालदास वर्मा। मैंने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के भ्रष्टाचार को उजागर किया था और ओपी गोयल जो पर्यटन निगम में वो भी अध्यक्ष थे वहां के, उन्होंने भी पर्यटन निगम के भ्रष्टाचार को उजागर किया था। कारण सिर्फ यही है, बाकी कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार को उजागर करना कोई अपराध नहीं है। और पूर्व कांग्रेस सरकार ने बदले की भावना से राजनीतिक उत्पीड़न करके नौकरी से बर्खास्त कर दिया और वर्तमान सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जल्द इस पे हम, जब सरकार बनी थी, उनको न्याय देंगे, परंतु आज 3.25 साल हो गए, 3.25 साल में कोई न्याय नहीं मिला। बार बार लिखा गया और यहां तक कि हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सबको लिखा गया, पर वो सब पेंडिंग है। क्या कारण है? क्या सरकार ने भी भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया? क्या सरकार ने भी कांग्रेस सरकार से समझौता कर लिया? क्या कारण है? क्यों नहीं कर रहे इस पे? आप इस पे स्पष्टीकरण दीजिए मुख्यमंत्री महोदय, अब काफी देर हो गई है। आप तो मतलब सहन नहीं होता किसी की रोटी रोजी छीनना, क्या अच्छा काम है? क्या वीरभद्र सिंह ने अच्छा काम किया था? आप अगर गलत काम किया तो उसको आप रेक्टिफाई करो, उसको ठीक करो। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए दिन और रात मेहनत कर्मचारी नेताओं ने की है और हिमाचल प्रदेश के तमाम कर्मचारियों ने, पेंशनरों ने, श्रमिकों ने, बेरोजगारों ने वीरभद्र सिंह सरकार के विरुद्ध भारी लेवल पे मोर्चा खोला और पूरे प्रदेश में डंका बजा दिया। कांग्रेस बेनकाब हो गई और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जहां पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, पूर्व अध्यक्ष सतपाल सत्ती, इनसे मिलकर हमने जो है इस पार्टी को सत्ता में लाया। मैं आज पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री आपसे कि क्या आपने कभी चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ कोई आवाज उठाई? बताएं आप, आवाज उठाने वालों में हम थे, हमने आवाज उठाई वीरभद्र सिंह के खिलाफ, उसका खैमाजा भी हमने भुगता। हमने तो ये मामले हाईकोर्ट में ले जाने थे, परंतु हमने ये सोचा कि ये राजनीतिक उत्पीड़न है। राजनीतिक उत्पीड़न को उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट में क्यों ले जाया जाए जब हम सरकार की मदद कर रहे हैं, हर फ्रंट पे सरकार को सहयोग कर रहे हैं, तो सरकार खामोश क्यों है? क्या मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का दबाव है सरकार के ऊपर? क्यों नहीं करते आप? इसका तो यही लग रहा है कि वीरभद्र सिंह की आज भी सरकार में चल रही है, अधिकारियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं। ये कोई हमारा काम नहीं, लोग हजारों काम लटके हुए हैं। क्या कारण है ये तो अब आपको करना पड़ेगा स्पष्ट, क्योंकि अब आप चुनाव की बेला पे हैं। चुनाव है, ये चुनाव के लिए कोई ज्यादा समय नहीं रह गया है और इसलिए हम आप चुप नहीं बैठेंगे। आज हजारों मामले कर्मचारियों के पेंडिंग पड़े हैं सरकार के पास, JCC बैठ के नहीं हुई, कर्मचारियों को DA नहीं मिला, बोनस नहीं मिला, अंतरिम राहत नहीं मिली, 4914 नहीं मिला, और इसके अलावा भी पेंशनों को जो पंजाब के आधार पर एक पैसा नहीं मिला। क्या कारण है? आज मंत्रियों और विधायकों को तो सब कुछ मिल रहा है, पर कर्मचारियों पर छुरी क्यों चल रही है? क्या कारण है एक गरीब कर्मचारियों पर छुरी चला रहे हैं आप? या तो रख साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा।
उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।